नमस्कार भाई दोस्तों, आज पता नहीं किसका क्या क्या खतरे में आएगा। हम जिम्मेवार नहीं है इन चीजों के, किसका क्या खतरे में आता क्या नहीं आता है। क्या चल रहा है भाई कि पंजाब के अंदर वो अलग राष्ट्र मांग रहा था ये धीरेन्द्र शास्त्री? क्या शनि महाराज बच्चा डाने के लिए तेल मांग रहा है या अलग राष्ट्र मांग रहा है? इस पर अभी तक कोई केस नहीं हुआ, ये भी तो अलग राष्ट्र की मांग कर रहा है ना, लेकिन इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, एक तरफ पंजाब को दबाया जा रहा है। आज आपको विद प्रूफ एक एक चीज बताई जाएगी, कहां से चला, कौन चलाने वाला और किस लिए चलाने वाला। एक चीज का ध्यान रखना, वीडियो को शेयर आप करना, आएंगे वीडियो को डिलीट कर दे, वीडियो को हटा दे, ये आएंगे। आज आपको बताते बिल्कुल आराम से। सबसे पहले ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, सच्चाई रखने की जिम्मेवारी हमारी है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इसलिए दबा लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। 58,000 साथी जुड़े हुए हैं, अगर 58,000 साथी चाहे ना तो बात को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, सब कुछ लगाया जा रहा है, मीडिया तो कहना ही क्या यार, गोदी मीडिया का तो जिक्र ही छोड़ दो आप। क्या भगोड़ा फलाना धकड़ा, किसी को भगोड़ा, पकौड़े वाले को कुछ नहीं बोलते लेकिन भगोड़े के ऊपर चल जाते हैं। और जो तुम्हारे फूफा $10 ट्रिलियन लेकर भागे हुए हैं, 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का बिल्कुल चरमरा गई हमारे देश की, गड्ढे में डाल दिया, उनका जिक्र तक नहीं है। एक मिनट सुनना, सबसे पहले आपको ना शुरुआत से दिखाएंगे और आखिर तक दिखाते जाएंगे। जो सबसे बड़ी चीज है ना वो आपको आखिर में दिखाई जाएगी कि चला कैसे। एक बार इसको ध्यान से देखना क्या लिखा है, आपको बताते हैं, आराम से बताते हैं। ये है 25 दिसंबर 2021 का माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल का, पंजाब में 3 महीने में नशा खत्म कर देंगे। कहानी कहां से चली थी? अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने का बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो पंजाब में 3 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे। कितने महीने हो गए सरकार को बने हुए, कितने महीने? नशा तो छोड़िए लेकिन सिखों को जरूर खत्म किया जा रहा है, सिखों को खत्म किया जा रहा है। उसके बाद एंट्री होती है, यह 2021 का बयान है, इनकी सरकार बन जाती 22 के अंदर ही एक एंट्री होती है, लास्ट में आके किसकी, उस अमृतपाल की एंट्री होती है। तो चला देता है, खालसा वीर चलाता है, नशा छुड़वाता है और लोगों को अमृत छकाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो नशा छुड़वाना शुरू करता है वहीं से मिर्चियां लगनी शुरू हो जाती है सबको। और दिल्ली में बैठा हुआ एक बनिया, इसलिए बोल रहा हूं उसको बनिया क्योंकि बनिया ना किसान का मजदूर का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, और आज से नहीं है दुश्मन सदियों से होता आया ये हमारा। और ये हमारे दुश्मन को पंजाब सौंप दिया हमारे दुश्मन को। इस दुश्मन ने सबके साथ मिलकर एक खेल बनाना शुरू कर दिया, खेल बना दिया। अगर ये कह रहा है अजनाला में ये किया, उसके बाद अगले दिन कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे, अगला गिरफ्तार देने से मना कर रहा था क्या? लेकिन इस दुश्मन ने केंद्र के साथ मिली, दिल्ली का तो कहना ही क्या है। दिल्ली को तकलीफ यह है कि दिल्ली भीख में दे रखी लोगों को, 21 बार फतेह किया दिल्ली को और भीख में दे रखी है। लेकिन जो दिल्ली में बैठ जाता ना वो ये सोचता है कि हाँ जहां जहां संयुक्त पंजाब है उसको बस दबा दो, उसको नहीं उठने देना है, चाहे और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी उठ जाए, कोई कुछ बोल जाए, लेकिन पंजाब को दबाना बहुत जरूरी है। क्यों दबाना जरूरी है? क्योंकि एक तानाशाह के होश उड़ा दिए, होश जिसको कि पूरी गोदी मीडिया लगी हुई थी, शेर है ये कभी नहीं दबता, कभी। उस तानाशाह की धज्जियां उड़ा दी 2021 में, धज्जियां, माफी मांगनी पड़ी, जो कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता आता नहीं, लेकिन उस तानाशाह की धज्जी उड़ गई, माफी मांगी। वहां से दुश्मनी क्रिएट हो गई थी कि अब पंजाब के साथ खेलना कैसे है। वो पंजाब का इंतजार करते रहे, जैसे ही पंजाब नशा मुक्त होने लगा, युवा नशा छोड़ने लगे, तकलीफ हुई क्योंकि बिजनेस नहीं चल पाया लोगों का। तो वहां से जो उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए दे रखे हैं सरकार बनवाने के लिए, तो अपने पैसे वसूल नहीं करेंगे क्या? वो नहीं करेंगे। लेकिन आपका दिमाग पता नहीं कहां चला गया, उससे उलझ जाओ, ये कर दो वो कर दो, इन सब चीजों को छोड़ दो। हम आपस में लड़ाई झगड़े हजार करेंगे, हमारे मतभेद भी हजार हो सकते हैं, हजारों मतभेद हो सकते हैं हमारे, लेकिन मन भेद करना ना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी आज के टाइम पे, अगर मन भेद करोगे तो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, मन भेद की तरफ चले गए, मन भेद कर लिया हमने, नहीं नहीं पंजाब का मसला है, पंजाब ही देखेगा। अरे नहीं है पंजाब का मसला, पहली बात तो आप ये समझिए, पंजाब है क्या पहले मेरे को यही सवाल बताओ। चलो पूरी गोदी मीडिया के सामने सवाल है, बताओ पंजाब क्या है। अगर आप सीधे पढ़े लिखे हिसाब से देखो, पंच प्लस आब, 5 नदियों का समूह, कहां है वो नदियां? खेती सूख रही है बिना पानी के, वो पानी कहां जा रहा है फिर? हमारा पानी कहां जा रहा है? वो पंजाब कहां है? पंजाब क्या सोच रहे हो? पंजाब एक छोटा सा शब्द है क्या?
संयुक्त पंजाब देखोगे, छोटा सा शब्द है संयुक्त पंजाब, छोटा सा शब्द नहीं है। चाइना तक पंजाब, अफगानिस्तान तक पंजाब, पाकिस्तान तक पंजाब। कौन पाकिस्तान बने, कहां से बने? पंजाब से निकल के ही तो बने है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल, जेएंडके, वो पंजाब। उस पंजाब की बात नहीं करना चाहता कोई, उस पंजाब का जिक्र कर दो बस, पता नहीं कैसे मिर्चियां लग जाती है, मिर्चियां लगनी शुरू हो जाती है लोगों को। उस पंजाब के अंदर अगर के एक नशा मुक्त का अभियान चलिया तो वह तकलीफ तो होगी, सबको होगी तकलीफ, तो तकलीफ सबको होनी शुरू होगी। आज उसके बाद क्या आता है फिर आपको ना, बहुत कुछ दिखाया जाएगा, सुना जाएगा। क्या सोच रहे हो, अलग राष्ट्र की मांग कर दी इसलिए ये केस होया है? अलग राष्ट्र की मांग तो वहां पर भी हो रही है, वहां पर तो कोई केस नहीं हो रहा, किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा। उससे भी बड़ा कारण आपको दिखा सकते हैं, वीडियो दिखाना फिर गलत हो जाएगा, फिर लोग क्या बोलेंगे, ये वीडियो क्यों दिखा दिया। तकलीफ बना लोगों को हर टाइप की होती है, हर टाइप की तकलीफ, इसके लिए बोल लिया, ये क्यों बोल लिया, ये क्यों बोल लिया। और जो ये नकली सरदार बने हुए कमेंट करते हैं ना, तुम्हारे को एक चीज बताता हूं, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ तुम, बड़े तुमने पग्गों में सिर फंसा लिया हो ना, तुम सिख बन पाए ना तुम इंसान बन पाए, तुम जिस धर्म के उस धर्म के भी नहीं बन पाए। मैंने एक चीज शुरुआत से बोलता आया था, आज पंजाब को जरूरत है, जो पंजाब के भाई हैं, जितने भी जो अपने आप को समझते कि हम संयुक्त पंजाब का हिस्सा, पंजाब के साथ खड़े हो जाना। खेल खेला जा रहा है, बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, 2024 की तैयारी है ये। पहले क्या चलता था हमारे देश में, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, यही चलता था ना, कोई भी चुनाव आता था। दूसरी तरफ अगर कुछ नहीं मिला तो जवानों को शहीद करवा दो फिर चलो। एक तरफ बड़े बड़े बयान दे देंगे, चाइना डरता है सिखों से, चाइना डरता है, लेकिन भारत में सिखों को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या सोच रहे हो, दबा लोगे, दबा लोगे? हर वो इंसान जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, जिसके अंदर दूसरों के लिए इज्जत है, जो दूसरों की इज्जत करता है, सेवा भाव रखता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हर वो इंसान सिख है, सिख है अपनी नजर में, वो सिख है, वो सच्चा सिख है। पग में सिर फंसाने से सिख नहीं बनता, सिख नहीं बनता। जिसको तकलीफ होती है होने दो, जिस इंसान के अंदर दूसरों के लिए रहम है, दया है, दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं ना, वो हर बंदा सिख है। 96 करोड़ ही सिख हैं, 96 करोड़, उसके अंदर हर चीज की गिनती आती है। 96 करोड़ सिंह हैं इस दुनिया में, क्या सोचा था? ये 2-3 करोड़ की पॉपुलेशन है, 3 करोड़ लगा लो आप पंजाब की पॉपुलेशन है, इसमें से 1.5-2 करोड़ तो है ना भैये भरे पड़े हैं, भैये, इनको पता, उन भैयों को बोलोगे तुम वो तो साइड में हो जाएंगे। 1.25 करोड़ सिख हैं, गलती करके 1.25 करोड़ सिख समझ के, 96 करोड़ सिख हैं, अंदाजा बता दिया आज, 96 करोड़ सिंह हैं। छेड़ो मत, मत छेड़ो, मत इनको भड़काओ, बार बार माइक आगे हटा देते, हाँ आप अलग राष्ट्र मांग रहे हो, आप भारत के संविधान को नहीं मानते, जो तुम्हारे सिर पर बैठे हो भारत का संविधान मानते हैं क्या? मानते हो भारत के संविधान को? कोई भी काम हमारे देश के अंदर भारत के संविधान के अनुसार हो रहा है क्या? हो रहा है? कोई फौजी अगर आवाज उठा दे, देशद्रोही लगा दो केस, देशद्रोही हो गया। कोई सिख अगर आवाज उठा दे, खालिस्तानी है ये, इसको पाकिस्तान में भेज दो, फला तुम्हारे पास भाड़ा शहर तक का नहीं होता, तुम पाकिस्तान में भेज दोगे? खुद तो 2-2 रुपये मांगते फिरते हो। गंदी नाली के कीड़े जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो गंध फैलाते हैं, और ये जो गोदी मीडिया वाले जो एंकर है ना, जो माइक लेके कहीं भी घुस जाते हैं, ये भगोड़ा, ये खालिस्तान मांग रहे। पर एक टाइम तो अनाज खा लो, एक टाइम अनाज खा लो, गोबर खाना छोड़ दो, ये तलवे चाटना छोड़ दो। तुम ये जो नेताओं की चप्पल चाट के साफ करते हो ना, कहीं गोबर में गिरी हुई या कहीं, क्या बताएं, समझदार हो तुम, समझ गए होगे ना कहां पे लगी हुई होगी, तुम उसको भी जीभ से चाट देते हो। तुम जब घर पे जाते हो ना, एंकर हो या एंकरणी हो, जब तुम घर पे जाते हो ना, तुम्हारा बच्चा कुछ चेक नहीं करता, तुम्हारी सिर्फ खाली जीभ चेक करता है, आज कितना चाट के आए हो, कितना चाट के आए हो, तुम्हारी जीभ चेक करता है। हमारी लड़ाई सिर्फ इस गोदी मीडिया के साथ है, ये जो नैरेटिव फैला रही, जो गंध फैला रही ना, इनके साथ है। अगर कोई दिल पे लेता है ना, तो लो 1000 बार लो दिल के ऊपर, लो ना 1000 बार, तभी तो तुम्हारी समझ में आएगा। आपस में एक दूसरे से मन भेद करके खड़े हो गए, ये फलाना है, ये हरियाणा के होगा, क्यों बोल रहा है, कौन सा हरियाणा? अगर कोई ये बोलता ना कि 1000 साल से हरियाणा है, तो फिर 1 नवंबर को जन्मदिन क्यों मनाते हो हरियाणा का, देना जवाब। क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हमारे को अलग किया गया था अपने बड़े भाई से, संयुक्त पंजाब से अलग किया गया था हरियाणा को और हिमाचल को, 1 नवंबर 1966 को, फिर 1 नवंबर को जन्मदिन क्यों मनाते हो? सवाल करने लगे ना, तो सवाल हजारों हैं, एक का भी जवाब नहीं इनके पास। ये आके अगर माइक डालते ना, हाँ तो खालिस्तान की मांग है तुम्हारी, ये हिंदू राष्ट्र की मांग किसकी है, कभी मुंह खोल लिया उसको तो दिखाते धीरेन्द्र शास्त्री, ये धीरेन्द्र शास्त्री इतना ही बड़ा वो है, ये तुम्हारा भगवान बनाया बैठा है, तो बताना कहां पे अमृतपाल, बताओ ना, पूछो ना इससे जाके,
सभी सिखों को एक आवाज उठानी चाहिए। ये जो तुम्हारे जितने पाखंडी और ढोंगी बैठे हैं ना, इनसे पूछ के दिखाओ कहां पे है, ये बताएंगे। बता दिया, सच बता दिया, बिल्कुल दिखा दिया तो हाँ ये सही है, नहीं तो ना ये ढोंगी और पाखंडी है। इन पाखंडियों से हमारी लड़ाई है, इस गोदी मीडिया से हमारी लड़ाई है जो कि बदनाम करती है। कौन है सिख पता है क्या, जो तुम ना अपने आप को ये कहते हो हम हिंदू हम हिंदू, इसी हिंदू धर्म के बचाने के लिए ना गुरुओं ने कुर्बानियां दे दी अपनी, इसी हिंदू धर्म को। क्या मुगलों से कोई पर्सनल दुश्मनी थी क्या सिखों की? सिख चाहते तो रहती दुनिया तक दुनिया पर राज करते, कोई माई का लाल हिलाने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बस दूसरों को बचाने के चक्कर में ना अपना सब कुछ खो दिया, वो है सिख, वो है सिख। अगर तुम इज्जत नहीं कर सकते ना, तो तुमने जब कभी साथ ही नहीं दिया सिखों का, तो तुम्हारे अंदर दम भी नहीं होना चाहिए सवाल उठाने का। तुम्हारे को कोई अधिकार है ही नहीं, कोई अधिकार नहीं है। आज कह रहा हूं भाई, करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, देखते हैं आज कितने शेयर करेंगे। लोग बोल रहे ना ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ है, ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, नैरेटिव सेट, इस नैरेटिव को काटना पड़ेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, और इनकी खालू देने की जिम्मेवारी हमारी है। इनकी खालू देड़ी जाएगी पहले, जो ये जितने भी सवाल करेंगे उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। करना सवाल, तुम जो सवाल करते हो ना, सवाल करके दिखाना। दिक्कत वहां हो रही, तुम्हारे नशे के व्यापारियों को दिक्कत हो रही, जो तुम्हारे आंख का ऊपर बैठे हुए हैं। कभी 3,000 करोड़ की हीरोइन मिल रही है, कभी 4,000 करोड़ की हीरोइन मिल रही है, कोई हीरोइन सप्लाई हो रही थी ना, वो सप्लाई होनी बंद हो गई थी, वहां दिक्कत हो रही है असली। समझ में आ गया हो ना, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना भाई। दोस्तों सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी, बात हक और सच की होगी और करते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।